जेनेसिस के 2B लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो क्या होता है। ग्राफियन फॉलिकल पिछले लेक्चर में छोटा सा ही लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने स्कीम ऑफ ऊजेनेसिस देखा था। ग्राफियन फॉलिकल एक मेच्योर्ड फॉलिकल है, मेच्योर्ड फॉलिकल है और ये ओवरी में मिलता है, ओवरी में, और यहीं पर जो है ना ऊसाइट का फॉर्मेशन होता है। अगर एक ग्राफियन फॉलिकल को देखें इस तरीके से, ठीक है, तो बाहर एक जो लेयर होता है ना उसे हम लोग ठेका लेयर कहते हैं। मैं देखो, मैं यहाँ ब्लैक से दिखा रहा हूं, ये जो लेयर है वो लेयर जो है जो ब्लैक कोट दिख रहा है ना इसे हम लोग ठेका कहते हैं। ठेका मतलब ही होता है कवर, सो दिस इज ठेका। अब इस ठेका लेयर के नीचे बहुत सारे सेल्स दिखते हैं, यहां पर देखिएगा इस तरह का बहुत सारा सेल्स जो है, कितना बनाएंगे लेकिन चलो एक राउंड तो बनाता ही है। ऐसे ही है, दिखता है बहुत सारा सेल्स, ऐसे सेल्स हो गया। बीच में जो है, सेंटर में जो है ना, सेंटर थोड़ा सा साइड में, यहां पर ये एक प्यारा ऊसाइट दिखता है, इसे हम लोग कह रहे हैं ऊसाइट, ठीक है। ये जो सेल्स आप देख रहे हैं इन्हें कहा जाता है ग्रैन्यूलोसा सेल्स, ये ग्रैन्यूलोसा सेल्स है। और यहां पर एक गैप होता है, छोटा सा एक जगह बन जाता है, ऐसे एक यहां पर फ्लूड भरा रहता है, बाकी चारों तरफ सेल्स होते हैं बट यहां पर फ्लूड भरा होता है, इसको कहते हैं एंट्रम। ये फ्लूड फील्ड स्पेस होता है, दो दो लाइन के बारे में लिखेंगे। और इस ऊसाइट के चारों तरफ कुछ सेल्स के और नॉन सेल्स के लेयर होते हैं, ये तो हम आगे बड़ा बनाएंगे लेकिन यहां पर ऐसे करके दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसे करके दो लेयर, ठीक है ना। एक जो लेयर है उसे बोल रहे हैं जोना रेडियाटा, सॉरी जोना पेल्यूसिडा, ये नॉन सेलुलर लेयर होता है, नॉन सेलुलर मतलब सेल्स नहीं होता है। और एक जो लेयर है उसे हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडियाटा, इसका इंडिपेंडेंट हम स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो इसको और बड़ा करके देखेंगे, ये सेलुलर है, ये सेल से बना हुआ लेयर है, बाकी सब जगह जो है सिर्फ सेल्स भरे हुए। इतना लंबा चौड़ा क्या डायग्राम बनाएंगे ऐसे करके, इस तरीके से ये आप ग्राफियन फॉलिकल को देख रहे हैं। जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उसकी शुरुआती दौर में उसे प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है, सब ओवरी के अंदर में है, वहां भी पढ़ाया जाएगा, और जब वो मेच्योर होता है तो ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। मैच्योरिटी के लिए इसको एक हार्मोन चाहिए, एंटीरियर पिट्यूटरी का, इसका नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह इस प्राइमरी फॉलिकल को एक मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल में बदल देता है। तो FSH जो है इस काम में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ठीक है। और एंट्रम जो है वो फ्लूड फील्ड है, फ्लूड फील्ड स्पेस, स्पेस नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, नॉरिशमेंट। अभी हम इसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं, चूंकि ये रिप्रोडक्शन जब होता है
उस वक्त ग्राफियन फॉलिकल को बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं हम लोग, लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि इसका एक थोड़ा सा ग्लिम्स देकर ही निकल जाए, जब इसका समय आएगा तो इसको और भी डिस्कस किया जाएगा। एक छोटा छोटी सी जानकारी ग्राफियन फॉलिकल के बारे में थी। अब जो है हम लोग ऊ साइट के बारे में जानकारी लेते हैं। ऊ साइट चूंकि हमारा वो सेल है जो फीमेल गैमेट्स कहलाता है, हम लोगों ने स्कीम में तो पूरा ऊ जेनेसिस कर दिया था, लेकिन यहां क्या कहता है कि मोस्ट ऑफ ऊ साइट्स, मैक्सिमम जो ऊ साइट्स होता है ना हम लोगों को, रिमेन इन डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज के बारे में हम सब लोग जानते हैं, ये प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन में ये होता है डिप्लोटीन, वहीं पर ये रुक जाता है। इट इज कॉल्ड डिक्टाइल स्टेज। सो उस साइट जो होते हैं वो डिप्लोटीन स्टेज में ही रहते हैं, कब तक, टिल प्यूबर्टी। जब तक प्यूबर्टी नहीं होता है तब तक सब के सब डिक्टाइल स्टेज में अपना बैठे रहते हैं आराम से। क्यों भाई आगे क्यों नहीं सर, पूरा मियोसिस ही क्यों नहीं हो जाता, हो जाता तो कितना बढ़िया होता, बात सही है, लेकिन यहां क्या है ना कि एक बार जब ये बन जाएगा ना तो फिर प्यूबर्टी के समय के बाद दोबारा ये बनेगा नहीं, क्योंकि जितने भी ओवम बनते हैं ये सब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन जाता है। इसे मेल में क्या है कि हर दिन स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, हर दिन नए स्पर्म्स बन रहे हैं, बट फीमेल में अगर कोई पूछे फीमेल में ऊजेनेसिस कब होता है तो हम लोग बोलते हैं कि ऊजेनेसिस तो हो जाता है वही एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 से 6 महीने के बीच में, लेकिन जो मेच्योरिटी है ना वो प्यूबर्टी के समय होता है, मतलब वो खत्म नहीं होता है, ऐसा नहीं कहते कंप्लीट हो गया, वहां वो कंप्लीट तो प्यूबर्टी के समय ही होता है। तो पहली जानकारी ये हो गई यहां पर। अब जब जैसे कि अभी मैंने पिछले जो टॉपिक में बताया कि जो प्राइमरी फॉलिकल है तो ये छोटा सा एक प्राइमरी फॉलिकल, और जब FSH इस पर आता है एक्ट करता है तो ये लगभग 500 गुना तक इसका साइज बढ़ जाता है। सोचो कितना बड़ा हो जाता है ये, ठीक है ना। अगर ये 10 μm डायमीटर का है ये लगभग 80 μm डायमीटर तक ये बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में ये शांत रहता है, छुपा हुआ रहता है, अपने वक्त का करता है इंतजार कि जब मेरा वक्त आएगा, प्यूबर्टी का समय आएगा और जब सेक्स हॉर्मोन्स मिलेंगे FSH जैसी चीजें, तो मैं अपने आप को ग्रो करके रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल बनाऊंगा उसे, ठीक है। अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहता है क्या कि फॉलिकल ग्रैनुलोसा सेल, पढ़े थे वहां इसमें फॉलिकुलर ग्रैनुलोसा सेल्स जो आपने देखा था डायग्राम में चारों तरफ में, प्रोलिफरेट जब भी लिखा आता है उसका मतलब माइटोसिस ही होता है, माइटोसिस ऑल प्रोलिफरेट बाय द इंडक्शन ऑफ अ पैराक्राइन फैक्टर। और उस फैक्टर का क्या नाम है, उस फैक्टर का नाम है GDF9। ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा। GDF का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन फैक्टर, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन फैक्टर एक पैराक्राइन फैक्टर है और यह जो है इस सेल्स को डिवाइड करने में
मदद करता है। कौन सेल को, एक बार डायग्राम को भी हम लोग देख लें, ये सेल्स को, ये देख रहे हो ना फॉलिकल, ये सब जो सेल्स है ना, इन सेल्स को नंबर बढ़ाने में ये मदद करता है, ठीक है। इसका नाम है GDF9, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन फैक्टर 9। ये जो फैक्टर है ये कम्स अंडर TGF बीटा फैमिली, TGF बीटा फैमिली, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा फैमिली। ये सभी आपको अलग से पढ़ाएंगे हम, अभी तो सिर्फ आपकी सूचना के लिए, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, ये सब अलग से पढ़ाया जाएगा और इतना अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि आपके दिमाग में कभी भ्रम की स्थिति नहीं रहे। तो ये पैराग्राइन फैक्टर है जो इस काम में मदद करता है, ठीक है। और ये कैसे, यदि इसका एक हम डायग्रामेटिक कॉम्बिनेशन देखने की कोशिश करें, ये कैसे दिखता है आपस में, क्या इसका एक कॉम्बिनेशन है, तो बड़ा यूनिक फीचर के रूप में हमें ये दिखना शुरू होता है कि जो फॉलिकल सेल्स हैं उनका क्या रोल होता है और कैसे ये ओसाइट के लिए काम करता है। तो एक हम डायग्राम बना रहे हैं, उस डायग्राम को सब लोग देखें, ठीक है। एक और ये हो गया ऐसे, ये सारे सेल्स हैं, देखिए ये सारे सेल की लाइनिंग है। डायग्राम धैर्यपूर्वक बनाना चाहिए, ठीक है। इन सेल्स को हम लोग कह रहे हैं फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स हो गया। अंदर जो है वो यहां पर हमारा इससे जुड़ा हुआ ये है, ये जो रेड रंग का दिख रहा हूं ना, मैं इसको रंग भी देता हूं ताकि विद्यार्थी इसको स्पष्ट समझे, और इससे जब क्वेश्चंस आता है ना, और ये अगर डायग्राम आपके सामने आ जाए तो किसी विद्यार्थी से क्वेश्चन छूटता नहीं, लेकिन अगर ये डायग्राम आपके सामने ना रहे तो किसी विद्यार्थी से क्वेश्चन बनता भी नहीं। ये जो मैंने बनाया ये सब समझ गए किसका नाम है, क्या है, ये है ओसाइट, ठीक है। और इस ओसाइट के अगल बगल में ऐसे ढेरों सेल्स हैं, देखिए कैसे मैं बना रहा हूं डायग्राम, सबको दिख रहा है, बनाते चलें सभी विद्यार्थी मेरे साथ, जरूर डायग्राम को पूरा बनाएं। क्योंकि आप जितना डायग्राम बनाएंगे उतनी आसानी से विषय वस्तु आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। ये जो आप सेल्स देख रहे हैं इन्हें कहा जाता है नर्स सेल, नर्स सेल कहा जाता है। अब आप देखें कि ओसाइट के चारों तरफ दो प्रकार के सेल्स हैं, पहला जो ग्रुप है उसे बोल रहे हैं फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर ग्रैनुलोसा सेल्स, और दूसरे हैं नर्स सेल्स। नर्स का नाम ही लगता है परिचायिका, जो मरीजों का ख्याल रखते हैं, तो यहां तो कोई मरीज नहीं है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि ये किसी का ख्याल रखते हैं। यहां पर डायग्राम में जो बहुत यूनिक जो बात है वह है कि ये क्या है, ये जो दिखाया जा रहा है ओसाइट के साथ, ये सभी क्या है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज मतलब ये दो सेल्स के बीच का कनेक्टिंग ब्रिज है। यह आप जो देख रहे हैं यह एग्जांपल, इसका एग्जांपल है ये इंड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला लिखे हैं तो आपको तो कैपिटल से डी लिखना पड़ेगा, जेनेरिक नेम है ड्रोसोफिला का, ये
ऊसाइट को दिखाया गया है। देखिए कैसे यह स्ट्रक्चर, ये ऊसाइट के चारों तरफ दो तरह के सेल्स। अब जो ग्रोथ है ऊसाइट का, ग्रोथ ऑफ ऊसाइट इज मेंटेन्ड बाय, किसके द्वारा मेंटेन्ड किया जाता है? मेंटेन्ड बाय, पहला नर्स सेल्स। देखे आप लोग नर्स सेल्स के बारे में हम लोग क्या लिखते हैं कि नर्स सेल्स जो है वह ऊसाइट को दे सप्लाई, क्या सप्लाई करते हैं? माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आप कहेंगे अमाइनो एसिड माइक्रो मॉलिक्यूल हो गया, मोनोसेक्राइड्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो गया, वहीं पर प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल हो गया, फैट मैक्रो मॉलिक्यूल हो गया, एक्सेट्रा। ये सभी सप्लाई करते हैं नर्स सेल्स टू ऊसाइट। चाहिए कि नहीं चाहिए ऊसाइट को? चाहिए, ये सब मिलेगा। किसके थ्रू करता है? थ्रू साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। ये जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज दिख रहा है, इससे जो है ना चीजें यहां पर बनाकर ऊसाइट को देते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं पालना। नर्स क्या कर करती हैं? दवाई देती हैं, खाना खिलाती हैं, जो वहां ड्रेसिंग होता है उसको काम करती है, मरीज का पूरा ख्याल रखती है ताकि वो हेल्दी रहे। तो नर्स सेल्स का यह काम है। दूसरा जो इसमें कैटेगरी है उसका नाम है फॉलिकल सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स। चलिए, अब ये फॉलिकल सेल्स जो होते हैं ये कनेक्टेड टू ऊसाइट थ्रू गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस ये किससे जुड़े रहते हैं? ऊसाइट से जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। दे सप्लाई, ये ऊसाइट को क्या सप्लाई करते हैं? उसको देते होंगे, ये ऊसाइट को मैक्रो मॉलिक्यूल्स सप्लाई करते हैं, मतलब प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट ये सब सप्लाई करते हैं। इसके अलावा और क्या करते हैं? ये कॉन्ट्रीब्यूट इन एग कोट, अंडे के चारों तरफ जो कवर होता है उसके लिए कंट्रीब्यूशन कौन करता है? फॉलिकल सेल्स करते हैं, ठीक है। कुछ भी रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस अगर होना होगा, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस करते हैं, मतलब सेल के अंदर में रिसेप्टर मीडिएटेड ये एक प्रक्रिया है कि किस सेल में क्या जाना है ये पक मतलब फिक्स रहता है, उस काम को भी ये मदद करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं? मेंटेन सिमेट्री ऑफ सेल्स, सेल्स के सिमेट्री को भी ये मेंटेन करते हैं। तो इस तरह से फॉलिकल सेल्स भी ढेर सारा काम करता है जो बहुत मदद करता है ऊसाइट के फॉर्मेशन को। फॉलिकल सेल्स ऑल्सो सेक्रीट डिफरेंट पैराक्राइन फैक्टर्स। तो कई प्रकार के फैक्टर्स भी सिक्रीट करता है। पहला ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा टू, दूसरा वैस्कुलर इंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, मैं फुल फॉर्म लिख दूंगा सी लेप्टिन, डी फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर टू। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर का नाम तो लिखे ही हुए हैं पहले, ये वीजीएफ है उसको लिख देते हैं,
वैस्कुलर, इंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। वैस्कुलर इंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर मतलब ये वो ग्रोथ फैक्टर है जो कि ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज को बढ़ाता है, इंक्रीज ब्लड वेसल्स ताकि ज्यादा ज्यादा खून की सप्लाई हो सके। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं इन सब का काम क्या होता है, वैसे तो अलग अलग अभी काम बताने का जगह नहीं है, लेकिन एक अगर काम बोले कि काम क्या है इनका, काम क्या है, तो पहला काम है ग्रोथ ऑफ ऊसाइट्स। ऊसाइट का पूर्ण रूप से विकास हो, वैसे सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं। और दूसरा जिसमें मैंने कहा कि इंक्रीज ब्लड वेसल्स, इंक्रीज ब्लड वेसल्स इनटू द फॉलिकल सेल एरिया, सेल्स एरिया। इस एरिया में ज्यादा से ज्यादा खून का सप्लाई हो, इस चीज को भी ये बहुत मेंटेन करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत जरूरी चीजें होती हैं। बातों में थोड़े क्रम में फॉलिकल सेल्स का और भी सम्मान करें। फॉलिकल सेल्स और भी छोटे छोटे काम करते हैं, ठीक है। फॉलिकल सेल्स क्या करता है, एक्टिवेट द ट्रांसलेशन ऑफ, ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ स्टोर्ड ऊसाइट mRNA। इस स्टोर्ड ऊसाइट mRNA को कॉमन शब्द में कहते हैं मैटर्नल जीन। क्या कहता है, मैटर्नल जीन। ये सब कब काम देता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, खूब बड़े हुए मैटर्नल जीन्स, तो इस तरीके का। और ये जो मैटर्नल जीन्स जब एक्टिव होता है, ठीक है ना, एक्टिवेट इन फर्टिलाइजेशन, इनसे ज्यादा बढ़िया होगा हम आफ्टर लिख दें, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जब ये एक्टिवेट होता है, ये क्या बनाता है, स्पर्म बाइंडिंग प्रोटीन्स ये बनाता है। इसके अलावा क्या बनाता है, साइक्लिन CDK बनाता है, जो कि सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। मतलब ऐसे कई सारे चीजों का ये निर्माण करता है जो उस वक्त सेल को, मतलब उस वक्त फर्टिलाइज्ड एग को जरूरी होता है। ये काम किया नहीं, अगर काम नहीं है तो फिर अपना एपोप्टोसिस की ओर चला जाता है। तो ये जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये आपने पढ़ा है किस प्रकार से फॉलिकल सेल्स, नर्व सेल्स और ऊसाइट का क्या संबंध है और के कितना काम करते हैं। अब जो है हम लोग देख रहे हैं हार्मोनल इफेक्ट, कैसे हार्मोन्स होते हैं वो काम करते हैं। हार्मोनल इफेक्ट ऑन ऊजेनेसिस, कैसे हार्मोनल इफेक्ट देखा जाता है। तो दो हार्मोन जो होते हैं वो बड़े दिखने में मिलते हैं, FSH। FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहां से सिक्रीट होता है, सिक्रीटेड फ्रॉम एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यहां से सिक्रीट होता है। और क्या काम करता है ये, है ना, इट मैच्योर्स द प्राइमरी फॉलिकल into ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकलों से मैच्योर करता है। ये इनका बड़ा एक इंपॉर्टेंट वर्क होता है। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन, इसको फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, उसको भी ये मतलब प्रमोट करते हैं कि निकलो। दूसरा होता है LH, वी ऑल नो अबाउट देम,
इसका होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी कहां से सिक्रीट होता है? सिक्रीटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, यहां से यह सिक्रीट होता है। इसका काम क्या होता है? ये प्रमोट करता है, इट प्रमोट्स ओवुलेशन, मतलब ओवुलेशन मतलब रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, मतलब फ्रॉम द ग्रैफियन फॉलिकल, ग्रैफियन फॉलिकल इन द प्रेजेंस ऑफ FSH, स्मॉल अमाउंट। मतलब ऐसा है कि अगर FSH एबसेंट हो जाएगा तो वो ओवुलेशन नहीं होगा। तो ये हो गया दूसरा हार्मोन। और तीसरा हार्मोन जो है उसका नाम है इनहिबिन। यहां पे इनहिबिन आ गया, ठीक है। और इनहिबिन का क्या होता है? ये नेगेटिव फीडबैक हार्मोन दैट कंट्रोल्स, कंट्रोल्स बढ़िया टर्म आता है, रेगुलेट्स, दैट रेगुलेट्स द ओजेनेसिस। ये ओजेनेसिस को रेगुलेट करता है। ये जो तीन हार्मोन है, ये तीन बड़े महत्वपूर्ण हार्मोन है जिनको कि हम लोग देखते हैं। बोलेंगे सर एस्ट्रोजन क्यों यहां नहीं पढ़ रहे हैं? एस्ट्रोजन इसलिए नहीं पढ़ रहे हम लोग क्योंकि हमें एस्ट्रोजन की अभी उतनी जरूरत नहीं है ओजेनेसिस में, इसलिए हम लोग एस्ट्रोजन को नहीं पढ़ रहे। तो हम लोग अपना ये तीन हार्मोन है, यानी तीनों हार्मोन को FSH और यहाँ LH और यहाँ पर इनहिबिन। तो इन तीनों हार्मोन के बारे में अगर हम जानकारी रखें तो निश्चित रूप से हम आसानी से चीजों को देख सकते हैं। क्योंकि ओजेनेसिस में ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हार्मोन के बिना हो ही नहीं सकती। जैसे कुछ चीजें मैं आपको इसे भी स्पेसिफाई करके बताना चाह रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा उसको भी आप देखें। जैसे जैसे कि अब यहाँ पर LH का एक एडिशनल रोल देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है ये। क्या होता है ये? प्रोमोट्स, क्या प्रोमोट करता है? प्रोमोट्स से ज्यादा परमिट ठीक रहेगा, परमिट्स द ऊसाइट। ऊसाइट किस स्टेज में है? डिप्लोटीन स्टेज। कह रहा है कि प्रमोट द ऊसाइट टू कंप्लीट इट्स फर्स्ट मायोटिक मायोटिक डिवीजन। क्योंकि अभी तक तो मियोसिस वन के प्रोफेज वन में ही था, उसको ये पूरा मौका देगा कि अपना मायोटिक डिवीजन पूरा करो एंड देन प्रोसीड इनटू सेकेंड मायोटिक डिवीजन। इस तरीके से करेक्ट करने स्पेलिंग, हाँ, मायोटिक डिवीजन को ये पूरा करने में मदद करता है। और ये जो सेकेंड मायोटिक डिवीजन होगा वो कहां पर रहेगा, किस स्टेज में? होल्ड्स इन मेटाफेज टू। यहां बहुत सारे ऐसी बातें हो रही हैं जिनको दिमाग में रखना होगा। जैसे LH जो है ना वो परमिट करता है कि आप डिप्लोटीन से आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ने के बाद आप अपना पूरा करिए। क्या पूरा करिए भाई? आप अपना पूरा कर लीजिए मियोसिस वन को, ठीक है। साथ ही आप अब मियोसिस टू में एंटर कर जाइए, ठीक है भाई, कर लेंगे, मियोसिस टू में भी एंटर कर लेंगे, क्या दिक्कत है? मियोसिस टू को पूरा मत करिए, काहे? उसके मेटाफेज, ठीक है ना, मेटाफेज में रुकिए ताकि आप ज्यादा कूद फान ना कर सके। ये जो मेटाफेज टू में जो है ना ये रुक जाता है, और इसके बाद जो आगे बढ़ेगा वो तभी बढ़ेगा जब वो फर्टिलाइज्ड करता है। साथ ही साथ LH एक और भी बड़ा महत्वपूर्ण काम करता है यहाँ पर, ठीक है ना, इट ऑल्सो इंड्यूसेस द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन ऊसाइट्स। ऊसाइट्स के अंदर जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं उसको ये सिंथेसिस को प्रमोट करता है ड्यूरिंग
द फ्यूजन विथ स्पर्म। जब स्पर्म के साथ फ्यूजन हो रहा होता है ना, तो कुछ सपोर्टिंग प्रोटीन चाहिए उस साइड को ताकि वो स्पर्म के साथ फ्यूज कर सके, वो भी LH जो है वही प्रमोट करता है। ये बड़ा एक आउटस्टैंडिंग इसका अपना एक कॉन्सेप्ट है। और मेटाफेज टू से आगे जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के जो मतलब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ये सारा काम आगे वो बढ़ाता है। इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है जो आपको अपने पास होल्ड करके रखना चाहिए।